हेलो गाइड्स, मैं शशि किचन में आपका वेलकम करती हूँ। ताकि आज मैं आपको कुछ बताती हूँ अपनी सब्जी के बारे में। तो आप वहाँ से मार्केट जाते हो तो आप ऐसे से गोभी लेके आते हो ना, और आप अपने फ्रिज में जाके रख देते हो। तो आप उसकी गोभियाँ जब लाते हो तो आप उसके ऐसे ऐसी डंडी ऐसे निकाल के, मैं ऐसे निकाल देती हूँ, देखिए ऐसे निकाल के फिर इसको आप बड़े बड़े गोभी की जब आप फ्रीज में रखते हो तो ऐसे से काले काले, ये देखिए ऐसे से हो जाते हैं, काले काले ये हो जाते हैं ना, ऐसे से हो जाते हैं ना ये काले काले ऊपर से। तो आप इसको चाकू से ऐसे खूसते हो गए, ये देखिए ऐसे से आप चाकू से ऐसे से उतारते हो गए, तो ऐसे से करते हो गए। तो इसमें बड़ा टाइम लगता है निकालने में, और सब्जी हम जल्दी बनानी होती है या पराठे बनाने होते हैं तो जब तक हम इसको ऐसे से करते हैं तब तक देर हो जाती है, टाइम हो जाता है ज्यादा, और हमारा वो खाने पीने की चीज में और ये बच्चों के स्कूल भेजने में या अपने घर के जेंट्स लोगों को उनके काम भेजने में देर हो जाता है। तो मैं आपको इजी बता रही हूँ कि देखिए ये जैसे ये काला काला हो जाता है ना, तो आप ये जो आलू की जो छिलनी होती है ना ये वाली, इससे आप ऐसे से किया करिए, देखिए ऐसे से, ये देखिए ऐसे से, ये देखिए फटाफट उतर जा रहा है, ये देखिए ऐसे से, ऐसे से, ये देखिए फटाफट उतरता जा रहा है, एकदम साफ हो जाता है, ये देखिए ऐसे आलू की छिलनी से आप ऐसे किया करिए, ये देखिए इस तरह से आप जब छीलोगे ना ऐसे से काला काला फटाफट ऐसे से, देखिए ये जल्दी जल्दी हो जाता है, ये देखिए फटाफट इस तरह से आप करोगे ना तो आपके समय की बचत भी हो जाएगी और जल्दी से साफ भी हो जाएगा ये, और आप जल्दी से अपना खाने पीने का सामान भी आप अपना बना भी लोगे, अपना सब्जी जी पराठे वगैरह जो भी आपको बनाना होगा आप ऐसे बना लोगे। तो ये देखिए मैं करती हूँ ना, ये देखिए कितना जल्दी साफ हो गया, ये देखिए। और अगर मैं इसको चाकू से करती तो बड़ा टाइम लगता और मेरा बनाने में भी देर हो जाता। तो आप इस तरह से ये देखिए मेरा जहां जहां पे काला काला था ये मैंने आलू की जो ये छिलनी होती है जिसे आप आलू छीलते हो इसी से आप ऐसे से क्या कर दीजिए, कर देंगे ना ऐसे तो उसके फटाफट ये देखिए साफ हो गया, ये देखिए हो गया ना साफ, ये देखिए। अब इसी तरह से ये वाला है, जैसे ये देखिए यहाँ पर भी ऐसे काला काला है, तो आप इसको ऐसे चाकू से ऐसे से करोसते हो गए, ऐसे से धीरे धीरे ऐसे करते हो गए ऐसे से, फिर टाइम लगता है। इसी तरह से ये जो आलू छिलनी है आप इसी से जल्दी जल्दी ऐसे से कर लीजिए, ऐसे से फटाफट, ये देखिए जल्दी जल्दी साफ हो जा रहा है, ये देखिए जल्दी जल्दी साफ हो जा रहा है। तो है ना ये बड़े कमाल की, ये आलू छिलनी हमारी ये बड़े कमाल की है ना। तो आपको ये नहीं पता होगा कि इस तरह से ये वाला भी हम इस तरह से कर सकते हैं, मेरी गोभी इस तरह से जल्दी से साफ हो जाती है, ये देखिए आप इस तरह से करोगे ना ये देखिए फटाफट हो जा रहा है, ये देखिए 2 मिनट के अंदर, और सामान भी जल्दी से किचन में बन जाता है, ये देखिए फटाफट साफ हो गया ना, ये देखिए आपके सामने देखिए साफ हो गया, ये देखिए, ये देखिए कितनी जल्दी साफ हो गया, देखिए कितना काला था एकदम साफ हो गया। और जब आप ये गोभी के ऐसे डंडी निकाल लेते हो तो मार्केट में आप स्पेशल ऐसा खरीद के लाते होगे, तो आप खरीद के लाते होगे तो वो पैसे में देता है रेडी वाला। तो आप जब अपने घर में ही जब गोभी की डंडियां निकालते हो तो ऐसी इकट्ठी हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है ना, तो आप इसको इस तरह से ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऐसे से छील छील कर ऐसे से हल्का हल्का ऊपर पर से ऐसे हल्का इसकी कड़ापन हल्का हल्का ऐसे से निकाल कर ऐसे से हल्का हल्का आप ऐसे से कड़ा कड़ा अपन इसका हल्का कैसे से निकाल कर कड़ा कड़ा, और उसके बाद आप इसको ऐसे ऐसे ये देखिए ऐसे से ऐसे से ऐसे पतले ऐसे फाके काट लीजिए ऐसे वैसे से हैं, और उसके बाद कुकर में आप इसकी सब्जी बना सकते हो, और आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा गोभी। और जब गोभी जैसे आप फ्रिज में रखे रहते हो काला काला जाता है, तो आप इसे आलू की छिलनी से आप ऐसे जल्दी जल्दी से ऐसे साफ भी कर सकते हो, और ये भी आपका यूज हो गया, आपकी गोडी गोभियां की जो डंडियां आप निकालते हो घर में ये भी हो गई यूज, आप इस तरह से ऐसे सब्जी इस तरह से बना सकते हो, सब्जी की ये डंडियों की गोभी। और ये वाला जो है आप जो इनकी डंडियां है ये वाली निकालते हैं आप इसकी ये वाली डंडियां ये वाली, तो ये मैं चारा दे देती हूँ गाय को, गाय खा लेती है, गाय दुआ देती है, मैं कभी भी नहीं फेंकती, मैं किचन में जो भी सब्जी का चाहिए हम निकलता हरा हरा जैसे मटर की छिलके हैं गोभी की डंडियां हैं ये मैं गाय को दे देती हूँ, गाय खा लेती है। तो इस तरह से आप तीन तीन यूज कर सकते हैं, तीनों चीज आपका यूजफुल हो गया, ये गाय को मिल गया और इसकी डंडी की आपको सब्जी मिल गई, और आप इसका ये जो कालापन है इस तरह से आप ऐसे खोच लोगे तो ये आपको जल्दी जल्दी साफ हो गया, और इस तरह से आप अपने घर में जल्दी से सब्जी भी बना सकते हैं, देखिए कितना साफ सुथरा हो गया। कई लोगों को इस तरह से नहीं मालूम रहता, तो वो लेडीज लोग इस तरह से धीरे धीरे अपना करती हैं तो उनमें टाइम की बर्बादी हो जाती है, टाइम ज्यादा लग जाता है, तो उनको पता नहीं रहता है कि हम इस तरह से कर लें। तो आप इस तरह से करके अपना अपने समय की बचत भी कर सकते हैं और इस तरह से एकदम साफ सुथरा ऐसे कर सकते हैं। तो मेरा अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप मेरे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, नीचे जो बेल बटन है उसको जरूर दबाइएगा।
मेरी वीडियो को आगे बढ़ाने वाले आप हैं, और मेरी ये ट्रिप आपको अच्छी लग रही है जरूर लाइक करिएगा। लाइक तो बनता ही है ना यार, मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ वीडियो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कि मेरी मेरे जो दर्शक हैं वो आगे बढ़े, अपने जीवन में आगे बढ़े। तो मेरे को आगे बढ़ाने वाले आप और मैं आपको आगे बढ़ाने वाले, हम एक दूसरे के पूरक हैं। ओके बाय।